Assalamualaikum, I am Ehsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in an easy way. So let's see what we are going to learn today. टुडे वी गोना लर्न अबाउट कि किस तरीके से आप जो है जिना नर्सिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि इंट्री टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी और उसके अलावा फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप जिना नर्सिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप जो है इंटरमीडिएट आपकी जो है वो प्री मेडिकल से होनी चाहिए, मैट्रिक आपकी साइंस से होनी चाहिए, आपकी एज जो है वो 18 से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए, दैट इज़ वन ऑफ द मस्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास कितनी सीट्स मौजूद हैं। तो सीट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास ओपन मेरिट के अंदर 45 सीट्स हैं और हमारे पास ओपन सेल्फ फाइनेंस के ऊपर 5 सीट्स हैं, यानी टोटल एक बैच के अंदर 50 सीट्स हैं। उसके बाद अगर हम कैटेगोरिकली डिवाइड करें कि हमारे पास मेल एंड फीमेल के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो फॉर मेल्स देयर आर 25 सीट्स एंड फॉर फीमेल्स देयर आर 25 सीट्स। सो देयर इज़ अ 50% रेशो बिटवीन मेल एंड फीमेल। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो टेस्ट के अंदर याद रखिएगा कि बायोलॉजी के अंदर आपके 40 एमसीक्यूज आएंगे, केमिस्ट्री में से 20 एमसीक्यूज आएंगे, फिजिक्स में से 20 एमसीक्यूज आएंगे, इंग्लिश में से 10 एमसीक्यूज आएंगे और मैथमेटिक्स में से 10 एमसीक्यूज आएंगे। ये एमसीक्यूज जो हैं वो हमारे पास जो है आपके इंटरमीडिएट का जो कोर्स है उसी के अंदर से होंगे। उसके बाद हमारे पास जो है बात आ जाती है कि फ़ी स्ट्रक्चर जो है इनका ओरिजिनली अभी तक नहीं अपडेट मिली है, बट जो हमारे पास अभी तक वो है कि गवर्नमेंट, अगर आप प्राइवेट से कंपेयर करें तो गवर्नमेंट में मेरिट बेस पे फीस जो है वो काफ़ी हद तक कम ही होती है। उसके अलावा अगर सेल्फ पे भी हम बात करें तो काफ़ी ओपन जो हमारे पास सेल्फ फाइनेंस है उस पर भी अगर आप लेंगे तो फ़ीस काफ़ी हद तक कम ही होगी। नाउ हमारे पास जो नीचे दिया गया लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक करके आप एडमिशन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, वे भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और एडमिशन फॉर्म को जब आप एक्सेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके की स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन में आपने जो है अपना CNIC नंबर, अपना नेम और सब जो डिटेल आपसे मांगी है वो देंगे। आफ्टर दैट आप जो है लॉगिन हो जाएंगे वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर लॉगिन होने के बाद आपने जो है वो अपने जो भी वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक आपके इंटर की मार्कशीट, वैक्सीनेशन कार्ड, अच्छा दैट इज़ द मस्ट थिंग, आपको वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और क्या कहते हैं आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इन सब की आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है। पिक्चर्स अपलोड करने के बाद वो आपको फॉर्म का एक्सेस देंगे और फॉर्म का एक्सेस लेने के बाद आप जो है फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसे फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप जो है JPMC जाके उसे जमा करवा देंगे। उसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा और 5 नवंबर को आपका इंट्री टेस्ट होगा। इंट्री टेस्ट के बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट लगेगी, वो मेरिट लिस्ट जो है उसमें से जो स्टार्ट के 50 बच्चे होंगे जिनमें से 45 तो ओपन मेरिट पे आ जाएंगे, बाकी के जो 5 हमारे पास बचेंगे वो सेल्फ फाइनेंस पे होंगे, जो उसे अफोर्ड कर सकता है उन्हीं को वो सीट्स मिलेंगी। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अलॉट। वेल दैट्स रैप अप, इफ यू गाइस फाइंड इट रियली हेल्पफुल गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।